फिर द लांस को वैज्ञानिक भाषा में बोथ्रॉप्स एस्पर कहते हैं। इसका जहर इंसान के शरीर में घुसते ही शरीर को काला करना शुरू कर देता है। ये आमतौर पर पिट वाइपर्स होते हैं। मध्य और दक्षिण अमेरिका में बहुतायत में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 3.9 से 8.2 फीट तक हो सकती है। वजह अधिकतम 6 किलोग्राम। मध्य अमेरिका में सांपों के काटने के आधे मामले इनके होते हैं। इसके जहर में एंटीकोगुलेंट होता है जिससे खून जमता नहीं। इसके काटने से हेमरेज होने की पूरी आशंका रहती है। मादा फर्डे लांस सांप एक बार में 90 खतरनाक सांपों को पैदा करने में सक्षम होती है। इस सांप को साउथ अफ्रीकन ग्रीन ट्री स्नेक भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम डिस्फलिडिस टाइपस है। इसका बच्चा भी अगर काट ले तो अगले 24 घंटे में एक वयस्क इंसान के आंख, फेफड़ों, किडनी, दिल और ब्रेन से ब्लीडिंग होने लगती है। यह सांप अफ्रीका के स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे में मिलते हैं। इनके सर्पदंश यानी जहरीले दांत अन्य सांपों के बजाय पीछे की ओर होते हैं। इनके जहर में हीमोटॉक्सिक होता है। जहर से शरीर के अंदर और बाहर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यहाँ तक शरीर के सभी छिद्रों से खून की धार बहने लगती है। ईस्टर्न टाइगर स्नेक दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ों और घास के मैदानों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम नोटेकस क्यूटेटस है। टाइगर स्नेक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके शरीर पर पीले और काले रंग के बैंड्स होते हैं। इसके जहर से इंसान 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। इसके जहर के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में इसने एक इंसान को काटा था। हर साल इसकी वजह से कम एक इंसान तो मारा ही जाता है। सौ स्केल्ड वाइपर को वैज्ञानिक भाषा में एकस कैरनेटस कहते हैं। भारत में मौजूद चार बड़े वाइपर सांपों में यह आकार में सबसे छोटा होता है, लेकिन यह रसेल वाइपर, करैत और कोबरा को टक्कर देता है। ये सांप अपने मुंह से हिसकी आवाज नहीं निकालते, बल्कि अपनी त्वचा पर बने स्केल्स को इतनी जोर से हिलाते हैं कि उससे घिर घिर की आवाज आती है। इसके डंसने पर घाव वाला स्थान सूज जाता है। दर्द भयानक होता है। इसकी वजह से शरीर के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। किडनी फेल हो जाता है। अगर इसके काटे इंसान को बचाना है तो 1-2 घंटे में एंटीवेनम देना होता है। इसके जहर को काटने के लिए 9 तरह के एंटीवेनम भारत में मौजूद हैं। कोस्टल टाइपन को वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीरनस क्यूटिलेटस कहते हैं। यह इतनी तेजी में काटकर भागता है कि आप इसे देख ही नहीं सकते। अगर खतरा महसूस हुआ तो यह उछलकर अपने शिकार पर पूरी सटीकता के साथ दंसता है। इसका जहर हमेशा लोगों को नहीं मारता, लेकिन मात्रा ज्यादा हो और इलाज न मिले तो इंसान मर सकता है। यह नमी वाले स्थानों पर ज्यादा रहता है, जंगल जैसी जगहों पर।